अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है फॉर दोस कैंडिडेट्स जिन्होंने सीबीटी क्वालिफाई किया इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, उनका जो इंटरव्यू के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं बाया गूगल फॉर्म, ऑफलाइन, ऑनलाइन, इसका प्रोसेस बताऊंगा आपको मैं। थोड़ा सा पुराना जो हमने डिस्कस किया था वो मैं इस वीडियो में दोबारा रिपीट कर दूंगा। और आफ्टर फिलिंग गूगल फॉर्म आपको कैसे पता लगेगा कि आपको वहां पर बुलाया गया या नहीं बुलाया गया, आपको मेल आएगा, टेक्स्ट आएगा, व्हाट्सएप आएगा या अदर कोई मोड आएगा जिसके थ्रू वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे। प्लस जो स्कूल्स में इंटरव्यू हो रहे हैं उसमें कैसे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा रही हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा पूरी इन्फॉर्मेशन। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारा टेलीग्राम और फेसबुक पेज, आल्सो व्हाट्सएप चैनल ज़रूर फॉलो करिएगा ऐसी अपडेट्स के लिए। इसमें जितने भी आपके इक्विपमेंट अपडेट्स आ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, इसके जो न्यूज़ कटिंग्स हैं मैं इसमें अपडेट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ ऑल फोटोज़ में देख सकते हैं, अदरवाइज नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे सारा मिलेगा। तो पेज को ज़रूर फॉलो करिएगा और शेयर करिएगा। तो हमने डिस्कस किया था डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट में जो आपको पैन इंडिया की लिस्ट दी गई है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जिस भी स्कूल में आपने अप्लाई करना है उस स्कूल की वेबसाइट पर जाएंगे, आप वहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी। तो जैसे भी बिहार जोन के वैकेंसीज निकली हैं ये मैंने आपके सामने गूगल फॉर्म ओपन किया। अगर आपको गूगल फॉर्म का लिंक नहीं मिलता हमसे कॉन्टैक्ट करके आप उस लिंक को एक्टिव लिंक ले सकते हैं जो हमारे पास अवेलेबल रहेगा। सबसे पहले आप यहाँ पर नाम फिल करेंगे, उसके बाद अपनी आप डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, देन आपका एड्रेस फिल करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर फिल करेंगे, ये सारी डिटेल्स आपने एक्टिव फिल करनी है, ईमेल आईडी फिल करेंगे। ये जो डिटेल आप फिल कर रहे हैं इसको एक बार लास्ट में वेरीफाई कर लेना सो डैट कोई भी डिटेल ऐसी ना हो कि कम्युनिकेशन के लिए उनको बाद में प्रॉब्लम आए। अप्लाइड फॉर पीजीटी कंप्यूटर, इफ़ यू आर सिलेक्टेड कौन से स्कूल में आप जाना चाहेंगे, सेकंड प्रेफरेंस कौन सा देना चाहेंगे और थर्ड प्रेफरेंस कौन सा देना चाहेंगे, कैन ज्वाइन एनी अदर डीएवी स्कूल इन बिहार, तो यहाँ पर नो आएगा, अपने अकॉर्डिंग है तो यस कर दीजिए नहीं तो नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैक सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, ये हमने पहले से अपलोड किया, तो ये सारी डिटेल्स आप एक बार फिल करके चेक कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे। क्यों का ये गूगल फॉर्म ओपन नहीं हो रहा ना ही फिल हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या करें, आपका जो अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं मोबाइल ब्राउज़र अपडेट करिए, और अगर आपका सेम ब्राउज़र में नहीं अपडेट हो रहा कोई और ब्राउज़र में यूज़ करें, अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो ब्राउज़र में अपनी ईमेल आईडी लॉगिन कर लीजिए, उसके बाद आपका ये गूगल फॉर्म एक्टिव हो जाएगा। ये तो चलिए आपने ऑनलाइन ऑफलाइन स्कूल में जाकर अप्लाई कर दिया, नाउ स्कूल वाले क्या करेंगे, आपको बाया मेल भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बाय कॉल भी, तो दो ही मोड यूज़ हो रहे हैं जो अभी तक मेरे पास आए हैं। जैसे ये देखिए ये किसी कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, तो इनविटेशन फॉर इंटरव्यू यहाँ पर बताया गया, डियर कैंडिडेट दिस इज टू रिक्वेस्ट यू अपियर फॉर पैनल इंटरव्यू अप्रैल 17 वेडनेसडे एट एड्रेस मेंशन बिलो। एलडीसी के लिए इंटरव्यू है 17 अप्रैल को, ये डिटेल दी गई है, डीएवी इंटरनेशनल स्कूल नवी मुंबई का एड्रेस है। आल्सो इसमें दिया गया डू एक्नॉलेज द मेल विद अ कॉल बिटवीन 9 AM टू 2 PM बिफोर 15 अप्रैल, 100 नंबर दिए गए टू कन्फर्म योर अटेंडेंस फॉर द रिक्रूटमेंट, कन्फर्मेशन थ्रू ई मेल शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर आप उनको मेल करेंगे तो कन्फर्मेशन नहीं करें, आप उनको कॉल करना है कि मुझे आपका मेल आया था तो उसके रिगार्डिंग मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो 100 इतनी को मेरा इंटरव्यू बताया गया, फिर वो आपको आगे का प्रोसेस बता देंगे। वैसे इसमें सारा लिखा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग पैक ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू, काइंडली कम प्रिपेयर फॉर द डे ऑन 17/4/2024। तो ये था एक फर्स्ट जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ऐसे और भी काफ़ी आपको आए होंगे जिन्होंने अप्लाई किया था। ये तो हो गया कि आपने जो स्कूल में अप्लाई किया था उसके बाद आपको कॉल आया, टेक्स्ट आया, ईमेल आया, जो भी मोड है, वैसे ज़्यादातर कॉल ही करते हैं वो, मेल आ गया चलिए मेल भी अपना एक्टिव रखिएगा, मेल चेक करते रहिएगा जो भी आप मेल यूज़ करते हैं,
उसमें अपना जीमेल आईडी या ईमेल आईडी जो भी आप यूज़ करते हैं, याहू, रेडिफ, हॉटमेल, आउटलुक, उसको अपडेट करके रखिएगा इन योर स्मार्टफोन। आल्सो टाइम टू टाइम अपनी ईमेल्स को चेक करते रहिएगा, कई बार मेल इनके स्पैम में भी चली जाती है, यू कैन आल्सो चेक योर स्पैम फोल्डर। तो ये तो था आपका, आपने ऑनलाइन ऑफलाइन अप्लाई कर दिया, और पंजाब में काफ़ी स्कूल्स ऐसे भी हैं। आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो फ्रॉम पंजाब, मैं पंजाब स्टेट से बिलोंग करता हूँ। मैंने देखा ऑल ओवर जितने भी अदर स्टेट्स हैं, किसी में भी कोई भी चार्जेस नहीं लिए जा रहे, ना ही कोई ऐसा मोड है कि आपको वहीं जाकर फिल करना पड़ेगा। जैसे यही ले लीजिए, मैं इनका फॉर्म फिल कर रहा हूँ, सीबीटी का है। आफ्टर क्वालिफाइंग सीबीटी रिक्रूटमेंट के लिए इन्होंने जस्ट गूगल फॉर्म दिया, उसके बाद वो शॉर्टलिस्टेड करेंगे, आपको कॉल करेंगे। लेकिन पंजाब में काफ़ी स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें आपको अप्लाई करने से, सीबीटी क्वालिफाई करने के बाद आपको विजिट करना पड़ेगा स्कूल, वहाँ पर आपको फिर से एक ऑफलाइन फॉर्म फिल करना होगा जिसकी कॉस्ट 300 to 500 या से अबव है। उसके बाद वो फॉर्म फिल करके जो भी आपके फॉर्म से बैकेंड के पास जाएंगे, एडमिन स्टाफ के पास, फिर वहाँ से वो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड करेंगे, फिर आपको कॉल या ईमेल किया जाएगा। तो सिर्फ पंजाब में ही मैंने अभी तक जितने भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखे हैं अभी तक, ये ऑल ओवर इंडिया में निकले। पंजाब का मैंने फी स्ट्रक्चर देखा, अदर स्टेट्स का नहीं देखा। तो अगर आपका भी ऐसा स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं ज़रूर फॉलो करिएगा। तो ये तो था पूरा प्रोसेस फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग। अब बात करते हैं, आपको कॉल आ गया और आप वहाँ पर चले गए। नाउ अब डेमो एंड इंटरव्यू में क्या होगा? जैसे जिन बच्चों ने LDC UDC का इंटरव्यू दिया है, तो उनमें जो क्वेश्चनिंग वगैरह की गई है वो मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो इसमें देखिए जो मेन चीज़ है, या वैकेंसी डिटेल में आपको हमारे फेसबुक से मिल जाएगी, टेलीग्राम, और आपको मिल जाएगा जो हमारा फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टा चैनल है। स्टेट वाइज, जोन वाइज ये भी वैकेंसीज मैंने आपको बता दिया, पैन इंडिया से चेक कर सकते हैं। अप्लाई इन ऑन जोर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आल्सो इन अदर जोन भी अप्लाई कर सकते हैं ऑल अदर स्टेट्स में अगर आप करना चाहते हैं। ये हमने पहले तीन स्टेप डिस्कस कर लिए। नाउ थर्ड स्टेप है डेमो और इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। जैसे मैं बता रहा था LDC और UDC का जो इंटरव्यू हुआ था उसके क्वेश्चंस शेयर कर रहा हूँ आपके पास। सबसे पहले आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा। इंट्रोडक्शन में आपने टू द पॉइंट देना है, हॉबीज वगैरह होगी आपकी, लाइक डिसलाइक हो गया, ये चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट टू द पॉइंट अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताइए, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू टेल योर फैमिली टेल बता दीजिए, फैमिली में इतने मेम्बर्स हैं, बस सॉन्ग, ज़्यादा आपने कहानी नहीं वहाँ डालनी। उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे वर्ड पैड क्या होता है, एमएस वर्ड क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या है, किसमें ज़्यादा बेटर वर्क हो सकता है, आउटलुक क्या है, आउटलुक का काम क्या होता है एमएस वर्ड में, सॉरी एमएस ऑफिस में। उसके बाद व्हाई यू ज्वाइन DAV, रोज कॉलम कितने होते हैं, एंड LDC का इंटरव्यू है सो कॉमन सी बात है वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रो एंड कॉलम कितने आपके होंगे स्प्रेडशीट में। और उसके बाद ये इंटरव्यू आपका बाइलिंगुअल गया, हिंदी एंड इंग्लिश, एंड आल्सो जैसे मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ तो पंजाबी भी चलती है लेकिन ज़्यादातर हिंदी और इंग्लिश चलती है। अगर आप अदर स्टेट्स हैं, जो भी आपकी अदर स्टेट लैंग्वेज होगी तो उसमें भी आप दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पैनल जो भी वहाँ रहेगा। पैनल में काफ़ी प्रिंसिपल्स और जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं और आल्सो सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी होता है। ये तो हो गया हमारा LDC और UDC का। नाउ अब हम बात करते हैं जो बिहार में PGT का हुआ था उसमें क्या क्या था, ये हम सारा कुछ डिस्कस कर लेते हैं इसमें। तो उसमें देखिए जो भी प्रोसेस था, ये तो था LDC और UDC का। अगर हम बात करें PGT कमर्स की, उसमें आपके अकाउंट और बिजनेस स्टडीज़ और उसके रिलेटेड क्वेश्चन से जो भी आपका सब्जेक्ट अप टू 12th लेवल, उसके बाद आपके इंट्रोडक्शन पूछी गई, आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया गया, तो जो भी क्वेश्चनिंग होती है आपको पता है आपके सब्जेक्ट रिलेटेड कैसी क्वेश्चनिंग होगी। अप टू 12th लेवल आप प्रिपेयर करके जाइए, डीपली भी क्वेश्चंस को आपसे पूछेंगे, बेसिक्स वगैरह उसको भी क्लियर रखिएगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसमें जो डेमो हुई थी, डेमो में देखिए आपकी 11th और 12th क्लास के सामने, PGD के लिए था इसलिए 11th और 12th के सामने डेमो ली गई थी, जिसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट एंड प्रिंसिपल बैठे थे उस रूम में जहाँ पर ये डेमो हुआ था। और वहाँ पर कैंडिडेट जो भी टॉपिक उनको दिया गया था उसके रिलेटेड वो टीच कर रहा था, और जो प्रिंसिपल और सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे तो उनमें से क्वेश्चंस वगैरह पुट कर रहे थे उनसे। और ये जो इनकी डेमो थी लगभग 40 मिनट चली, और जो इंटरव्यू था लगभग उनका PGD वालों का जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, बिहार जोन का था ये, कम से कम 2 hours इनका इंटरव्यू चला, और डेमो अलग से इनकी जितने टाइम का पीरियड होता है 40 मिनट्स आप लेकर चलिए उतने टाइम का चला।
और ये जिन कैंडिडेट्स से मेरी बात हुई है, सबसे पहले मैं उन कैंडिडेट्स का थैंक यू करना चाहता हूँ जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया, एंड आपके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन दी उन्होंने जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, एंड अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, जो आपको कोई डाउट रहता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। सो आई थिंक ऑल ओवर आपके डाउट्स मैंने क्लैरिफाई कर दिए। फिलहाल कोई भी अदर क्यूरीज या क्वेश्चन होता है आपके मन में, वह कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर अवेलेबल टाइम।